क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करने पर क्या होगा? आप लोगों का अक्सर ये सवाल होता है और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट करने में असहाय महसूस कर रहे हैं, पैसे नहीं हैं पेमेंट करने के लिए, तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। मैं हूँ अब्दुल और आप देख। तो दोस्तों कैसे हो आप, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। और आज आप लोगों का सवाल है कि क्रेडिट कार्ड का बिल अगर नहीं पे करूंगा तो क्या होगा। तो दोस्तों आपके साथ क्या 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 हो सकता है, ये चीज़ बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक क्रेडिट कार्ड क्यों देता है, आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पर क्यों करना चाहिए, और अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ करना है। ऑलरेडी वीडियो बना रखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो सवाल जो आप लोगों का कॉमन है कि पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे साथ क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को मैं बता देता हूं कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड कैटेगरी के लोन होते हैं, जिसमें केवल आपका पेपर और डॉक्यूमेंट्स सबमिट होता है कोलैटरल के रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को रिकवरी वाले 6 महीने तक परेशान करेंगे, उसके बाद वो खाता आपका क्रेडिट कार्ड का हो चाहे पर्सनल लोन का हो वो एनपीए कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा। बैंक आपके डाटाबेस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेज देगी कि ये बंदा पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है, और हो सकता है कि बैड बैंक कॉन्सेप्ट में आपका डाटा बैड बैंक कंपनियों को भेज दिया जाए और वो अपने हिसाब से रिकवरी करें। रिकवरी करने के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि आप लोगों को एक टाइम पीरियड में ही वो कॉल कर सकते हैं, आपके रिश्तेदारों को वो फ़ोन नहीं कर सकते हैं, आपके आस पड़ोस में वो आके हो हल्ला नहीं मचा सकते हैं, आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पे जाके वो शोर नहीं मचा सकते हैं, आपके अकाउंट को वो किसी भी तरीके से होल्ड नहीं कर सकते, आपके HR को वह कंप्लेंट आपकी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेसी का जो अधिकार है वह क्रेडिट कार्ड में और पर्सनल लोन में आप लोगों को मिला हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि आपके अलावा आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वह बैंक किसी को भी शेयर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको कम से कम में सेटलमेंट करने पर भी ध्यान देना है, अगर आपकी इनकम कम है या बिल्कुल नहीं है तो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं, आप पेमेंट करने में सक्षम हैं, और जान के अगर आप चाहते हैं कि मैं पेमेंट ना करूं तो बैंक मेरा क्या करेगा, तो दोस्तों देखिए बैंक तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपका समाज में जीना दुर्भर हो जाएगा, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं वही आपको ऊपर ले जाते हैं और वही आपको नीचे ले आते हैं। तो आप अगर ये सारी चीज़ों को फेस करते हुए, पैसा होते हुए भी आप सेटलमेंट करेंगे तो सामाजिक बहिष्कार आपका समाज ही करेगा, चाहे वो मुंह पे करे चाहे पीठ पीछे करे। इन सारी चीज़ों को सोचते हुए आपको फैसला लेना है। तो कोशिश करिए अगर आपने बैंक के पैसे ले रखे हैं तो अपने इनकम को बढ़ाइए और अपने खर्चों को कम करिए ताकि आपका जीवन सही से चलता रहे। और ये सवाल का जवाब आपका ये था कि बैंक आपका कुछ नहीं कर सकता है, फाइनली आपका सेटलमेंट ही होगा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन नाम की चीज़ है और पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आशा करता हूँ जो बात मैंने आपको समझाई वो समझ में आई होगी। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई राय लेनी है हम लोगों से तो हमारी पेड कंसल्टेंसी है, आप हमारे व्हाट्सएप पर आइए, वरना वीडियो बहुत बना रखी है, आप देखिए सीखिए और खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।